हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो शाइन नहीं कर रहा है, जो मैलिएबल नहीं है, जो डक्टिलिटी शो नहीं कर रहा है, हार्ड नहीं है, सोनोरस नहीं है, तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज किसी एलिमेंट में नहीं है, इसका मतलब ये है कि वह नॉन मेटल है। तो जब हमने मेटल्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पीरियडिक टेबल है उसमें टोटल 118 एलिमेंट हैं, जिसको लेवोशियर नाम के जो वैज्ञानिक हुए थे, जो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर उन्होंने उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो जो मेटल एंड मेटल की प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो मेटल की प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहा है, तो उन्होंने उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में डाल दिया था। तो टोटल नॉन मेटल्स कितने हैं? टोटल नॉन मेटल्स हैं हमारे पास में 18। तो हमने देखा था कि जो मेटल्स हैं उनको अर्थ क्रस्ट से माइन आउट करके निकाला गया, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट से निकाले गए, कुछ ऐसे हैं जो ओशियंस से निकाले गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है बच्चे, तो नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, एंड आर ईदर मैलिएबल और डक्टाइल, जो ना तो मैलिएबल ही हैं और ना ही डक्टाइल हैं। सम एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस। जैसा कि हमने मेटल्स में भी काफ़ी सारे एक्सेप्शंस पढ़े थे, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं हैं, जिनको नाइफ से भी काटा जा सकता है, जो शाइन नहीं करते हैं, जो लस्ट्रस नहीं है, जो डक्टाइल नहीं है। वैसे ही जो नॉन मेटल्स हैं उनमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कार्बन इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो कार्बन है वह नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग लस्टर, जो आयोडीन है वह नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस शो करता है, शाइन शो करता है। आयोडीन कैसा होता है? चमकीला होता है। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन के 2 एलोट्रॉप हैं, एक है ग्रेफाइट और दूसरा है डायमंड, एक है ग्रेफाइट एंड दूसरा है डायमंड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन मेटल्स में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो शाइन करता है, तो आपने देखा होगा कि जो डायमंड है वह काफ़ी शाइन करता है। लेकिन बच्चे, जब हम डायमंड को माइन आउट करते हैं तो वह है बिल्कुल डल होता है। कैसा होता है? डल होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए इस तरह का, तो उसमें डायमंड आपको नहीं लिखना है, क्योंकि डायमंड का जो प्योर फॉर्म है, जो नेचुरल जो उसकी फॉर्म है, वह डल है। उसका अपीयरेंस कैसा है? डल अपीयरेंस है, इसलिए डायमंड शाइन नहीं करता है। वो कहते हैं ना कि हीरे को जितना तराशते हैं वह उतना ही चमकता है। तो जब हम इसको तराशते हैं, जब हम इसको माइंस में से माइन आउट करके जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, तो यह शाइन करने लगता है। ठीक है बच्चे, नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स, कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एयर से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जो ग्रेफाइट है वह भी शाइन करता है। ग्रेफाइट भी क्या करता है बेटा? लस्ट्रस शो करता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि नॉन मेटल्स के हैं। नॉन मेटल्स होते हुए भी ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि मैलिएबिलिटी।
तो जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल नहीं होते हैं। उनको हम हैमर्ड करके थिन सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको हैमर्ड करेंगे तो क्या होगा, यह इस तरह से टूट जाएंगे, ठीक है, ये थिन सीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू कन्वर्ट इन टू अ सीट वैन बीटन थ्रू अ हैमर इज नोन एज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या है कि अगर हम किसी भी मेटल को हैमर्ड कर रहे हैं, हथौड़े से उस पर पीट रहे हैं, तो वह थिन सीट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर हम नॉन मेटल को हैमर्ड करेंगे तो वह टूट जाएगा, इसलिए जो नॉन मेटल्स हैं वह मैलिएबिलिटी शो नहीं करते हैं। जनरली वैन नॉन मेटल्स आर बीटन दे ब्रेक, विच मीन्स नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। इसका मतलब ये है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मैलिएबल हैं। नेक्स्ट इज ब्रिटल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। वेयर एज द नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट रोल्ड इन टू द वायर्स, इनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने मेटल्स में देखा था कि जो मेटल्स हैं वह डक्टिलिटी शो करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं बच्चे, डक्टिलिटी शो करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं। उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्स एंड दिस कैन बी इजिली ब्रोकन इफ़ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उन पर अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए वो डक्टिलिटी भी शो नहीं कर सकते हैं। वो कैसे होते हैं बच्चे, ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट इज डक्टाइल। जैसा मैंने अभी बताया था कि वो ब्रिटल होते हैं, वो डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट रोल इनटू वायर्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड अ वीक अट्रैक्टिव फोर्स एंड दस कैन बी इजिली ब्रोकन इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर हम कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि जो प्लास्टिक रहता है, जो सॉफ्ट वाला प्लास्टिक होता है, वो तो हम उसको हम इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, लेकिन प्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम वायर में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते ना, कि हम उसको बिल्कुल थिन वायर में कन्वर्ट कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वह हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल दैट हैज द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है कि जो कार्बन है वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उसमें क्या रहते हैं बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, दैट इज ग्रेफाइट, वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो मेटल्स हैं वह कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं, इसका एक अलग से सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो कार्बन का एक एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, वह क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट इज लस्ट्रस। हमको पता है कि जो नॉन मेटल्स हैं वह नॉन लस्ट्रस होते हैं, वो शाइन नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस विच मीन्स दे आर नॉट शाइनिंग। वो शाइनी नहीं होते हैं, शाइन या लस्ट्रस शो नहीं करते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है आयोडीन, जो कि लस्ट्रस शो करता है, एंड ग्रेफाइट भी थोड़ा बहुत लस्ट्रस शो करता है, ठीक है बच्चे। ये दो ऐसे हैं जो लस्ट्रस शो करते हैं, बाकी और कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है जो लस्ट्रस शो करता हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर हम किसी चीज को खींच रहे हैं तो वह ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब हम किसी को टेंशन दे रहे हैं लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब इस तरह से हम ले सकते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉन मेटल्स में बहुत कम होती है, क्योंकि अगर हम नॉन मेटल्स को खींचेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएंगे या तो वो खींचेंगे ही नहीं। जैसे कि हमारे पास स्टोन है, अब क्या स्टोन को आप ऐसे खींच के लंबा कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वह बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट इज सोनोरस। ये सोनोरस भी नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स सोनोरिटी शो नहीं करते हैं,
ये सोनोरस नहीं होते हैं। जैसा कि हमने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स में अगर हम किसी मेटल को स्ट्राइक करेंगे, हिट करेंगे, तो उसमें रिंगिंग साउंड आएगी। उसमें कैसी साउंड आएगी बेटा? रिंगिंग साउंड आएगी। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, एक टन की आवाज़ आती है, ठीक है। जैसे कि मैं इस स्क्रीन को बजा रही हूँ, तो क्या ये रिंगिंग साउंड है? ये रिंगिंग साउंड नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? यह एक नॉन मेटल की बनी हुई है। लेकिन अगर ये मेटल की बनी होती तो इसमें से रिंगिंग साउंड आती, ठीक है बच्चे। तो जो नॉन मेटल्स हैं उनमें अगर हम उनको हिट करते हैं, उनको स्ट्राइक करते हैं, तो कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि जो नॉन मेटल्स हैं वह नॉन सोनोरस होते हैं। तो ये था हमारा नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वह शाइन नहीं करते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं, सोनोरस नहीं होते हैं, लस्ट्रस शो नहीं करते हैं, मैलिएबल नहीं होते, डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये सारी प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वीडियोज को आप पूरा देखना, जिससे कि आपको आपके सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, आपको क्लियर हो जाए कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नुक्कड़ के साथ।